उपखंड के ग्राम जीतकेपुर में कल सायकाल ममता प्रजापत ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही परिजनों को इसका मालूम चला तो परिजन शव को लेकर नजदीकी चिकित्सालय गुड़ाचंद्री में पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। रात्रि होने के कारण डॉक्टरों ने रात को पोस्टमार्टम नहीं किया और सुबह पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कर मृतका के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिवारजनों ने मृतकों को लेकर जादा संस्कार किया। मृतिका ममता के पीहर पक्ष के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नादोती थाने में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ममता के पति दोसा लेकर BEd की तैयारी कर रहे थे। मृतका ममता अपने पीछे एक लड़का तथा एक लड़की छोड़ गई है। मुकदमा दर्ज हुआ है 304B का, इसमें गोपाल लाल प्रजापत है, इन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसी इतला पे या मुकदमा दर्ज होने के बाद में आया थे जांच के लिए जी। महिला का क्योंकि इसके गले के चारों तरफ वो लाइगेचर मार्क्स थे जी, और बाकी हमने जो सैंपल्स हैं वो भेज दिए हैं। FSL रिपोर्ट के बाद और भी अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो पता लग जाएगा। अभी तो ये सुसाइडल एंगल का केस लग रहा है। कहाँ का था सर ये मैटर? मैटर जीतीपुर का था, ममता देवी नाम का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कब आके पहुँचे ये लोग? ये कल रात को आए थे लेकिन सूर्य